नमस्कार, मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। वक्त हो चुका है इस वक्त की ताजा तरीन बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी बिहार के लोगों पर दिया विवादित बयान। कमलनाथ के इस बयान पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष धनंजय राय ने किया खंडन, कहा कमलनाथ को मांगनी चाहिए माफी। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी शासित राज्यों ने भी शुरू की कर्ज माफी। बीजेपी को चेतावनी के बाद चिराग पासवान ने की राहुल गांधी की तारीफ, कहा वे अच्छा काम कर रहे हैं। तीन राज्यों में सरकार बनाने के बाद अब प्रियंका गांधी के साथ छुट्टी मनाने निकले राहुल गांधी, रास्ते में गाड़ी रोककर ढाबे पर किया नाश्ता। बुलंदशहर में गौ हत्या के मामले में पुलिस ने तीन युवकों को किया गिरफ्तार, हिंसा का मुख्य आरोपी अब भी है फरार। पीएम मोदी और बीजेपी को बनाया निशाना तो पत्रकार को मिली 12 महीने की हिरासत की सजा। सीएम की गति संभालते ही कमलनाथ खिले विवादों में, सहयोगी अखिलेश यादव ने कही है बात। दिलीप कुमार की बीबी सायरा बानो बोली, जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली भी जाऊंगी। 285 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए बेटे ने मरी मां को 7 साल तक बताया जिंदा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जीएसटी पर मोदी देंगे बड़ी राहत, 99% सम्मान 18% के नीचे के सैलरी में आएंगे। दिल्ली में बड़ा सर्दी का सितम, न्यूनतम पारा 6 डिग्री तक लुढ़का। छुट्टी मनाने शिमला पहुंचे राहुल, ढाबे पर उठाया मैगी कॉफी का लुफ्त। मनमोहन सिंह का मोदी पतंग में ऐसे पीएम नहीं था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरे। धर्म जाति में बटा बिहार के वैसली में एक स्कूल, अलग अलग कक्षा में बैठते हैं बच्चे। आईसीआईसीआई बैंक का महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा, लॉन्च किया खास अकाउंट। चेन्नई बस में बेटे ने मां बहन पर किया हमला, मां की मौत, बहन की हालत गंभीर। नोएडा में स्कूल हादसा, प्रिंसिपल गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश तेज। कैब में बिठाकर सवारियों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।